दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या 5G फोन हमें लेना चाहिए या फिर नहीं? इसका जवाब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब होगा यस, यानी लेना चाहिए। और इसका जवाब ये भी होगा नो, यानी नहीं लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्या कंफ्यूजन है यार, क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हो टेक्निकल मेथड? अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम 5G फोन ले या ना ले, 5G फोन लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि 5G फोन जो है वो हमें लेना चाहिए या नहीं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका क्लियर कट आंसर नहीं दिया जा सकता है, उसे एक्सप्लेन करके बताना ही पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। चलिए हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि 5G फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन को, जैसे मैं यूज करता हूँ, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल लोग ऐसे स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने यूज़ किए या फिर 1 साल यूज़ किए उसके बाद एक्सचेंज कर लिए या फिर बेच दिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 5G फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 5G नेटवर्क आते आते 1.5-2 साल लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जब 5G लॉन्च होगा तो पूरे इंडिया भर में लॉन्च हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे करते 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 फिर पूरे गांव कस्बों में 5G नेटवर्क आएगा। तो ऐसे में क्या फ़ायदा, अगर आप अभी स्मार्टफोन खरीद लेते हैं 5G स्मार्टफोन, तो आप तो उसे यूज़ तो कर नहीं पाएंगे, फिर क्या फ़ायदा स्मार्टफोन लेने का, आपके पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप 5G फ़ोन ना खरीदें, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है ना, तो 5G फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ऐसे में अभी लॉन्च होने वाला है नहीं, लॉन्च होने में भी थोड़ा टाइम है। और एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, 5G फ़ोन जो है अभी 20,000 के आसपास में मिल रहे हैं, बट आपको बता दें कि जब 5G लॉन्च हो जाएगा प्रॉपर वे में, तो इसकी कीमत जो है वो 20,000 से कम होकर 15,000 के आसपास में पहुंच जाएगा, यानी सिर्फ 15,000 में आपको 5G फोन मिल जाएगा। आपको बता दें कि जब मैंने अपना फोन लिया था Vivo V20, तो Vivo V20 में कई फोन्स थे, एक था Vivo V20 में 128GB स्टोरेज वाला जो कि 4G फोन था, और इसी का बिल्कुल सेम वो था 5G जो कि प्राइस था उसका 30,000 रुपीज़। और Vivo V20 का ही एक और फ़ोन था जिसका 256GB इंटरनल स्टोरेज था, और मुझे ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन चाहिए था। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि 5G फ़ोन है यार, 5G ले लेता हूँ, बट उसका स्टोरेज जो था वो था 128GB। मैं सोचा यार जल्दी भर जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचता था कि यार 5G फ़ोन है, मतलब 5G नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, तो यही फ़ोन लेना बेहतर है। तो बहुत सोचने के बाद तब जाके फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं, मैं लेता हूँ Vivo V20 का 256GB स्टोरेज वाला, और ऊपर से 128GB मैंने मेमोरी कार्ड लगा लिया ताकि स्टोरेज की किल्लत ना हो। 5G फ़ोन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस टाइम 5G का कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं था। फिर मैं सोचा कोई नहीं यार, एक्सचेंज कर लेंगे, सिंपल बात, नो बकवास, इसलिए मैंने 4G फ़ोन ही लिया, 5G नहीं लिया। लेकिन अगर अभी आपका मन कर रहा है 5G फ़ोन लेने का और सोच रहे हैं कि शायद बाद में पता नहीं पैसा रहे या ना रहे, अभी ही ले लेता हूँ, अच्छा मौका है, क्या पता पैसा बाद में खर्च हो जाए, यार ले ही लेता हूँ, अगर अभी आपका मन कर रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप 5G फ़ोन खरीद लें, हिचकिचाए नहीं, क्योंकि मन को भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर अभी आपका ऐसा मन कर रहा है कि भाई अभी फ़ोन ले लेता हूँ, 3-4 महीने यूज़ करूँगा उसके बाद एक्सचेंज कर लूँगा, तो 5G फ़ोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप 5G से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। देवी और सज्जनों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।